Welcome to my channel Unique Civil Tech. Today I am discussing how to create structure through a structure wizard. तो पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा कि कैसे हम लीनियर रेडियल और इरेगुलर ग्रिड के थ्रू एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं. तो आज हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे थ्रू स्ट्रक्चर wizard. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम सबसे पहले फाइल नेम डालेंगे स्ट्रक्चर wizard. स्ट्रक्चर विजार्ड हमने फाइल नेम डाल दिया और लोकेशन हमने दे दी कहाँ हमने फाइल सेव करनी है. टाइप एनालिटिकल रहेगा और यूनिट्स हम मेट्रिक में रखेंगे. तो चलिए क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन का. तो वर्क स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी व्यूअर से अनुरोध है कि वो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी टेक्निकल वीडियोस मेरे इस चैनल में आएंगे वो आपको तुरंत मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं. तो हमारे पास ज्योमेट्री टैब में एक स्ट्रक्चर विजार्ड का आइकन है, हम उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, और हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा. ठीक है, तो ये है देखिए प्रोटोटाइप मटेरियल सेव्ड मॉडल टाइप प्रेट्रस वेरेंट्रस. तो हमें क्या करना है, हम मॉडल टाइप में जाएंगे, फ्रेम मॉडल्स को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, फ्रेम मॉडल्स को सिलेक्ट कर लिया और हम बे फ्रेम पे क्लिक करेंगे. ठीक है, बे फ्रेम पे क्लिक कर दिया. अब हमें स्ट्रक्चर की लेंथ डिसाइड करनी है तो हम लेंथ डाल देंगे 20 मीटर की. ठीक है, और हाइट डाल देंगे हम 16 मीटर की और विड्थ हम दे देंगे स्ट्रक्चर की 25 मीटर की. ठीक है, और साथ में हमें बेस भी देने हैं. तो हमें लेंथ के लॉन्ग कितने बेस चाहिए, हम डाल देते हैं 6 बेस. ठीक है, और हाइट के लॉन्ग कितने बेस चाहिए हमारे को, हमें चाहिए कम से कम 6 ही रख लेते हैं हम भी. ठीक है, हाइट के लॉन्ग भी हमने 6 बेस रख लिए और विड्थ के लॉन्ग हमें कितने बेस चाहिए, 7 बेस चाहिए विड्थ के लॉन्ग. तो हम क्या कर देंगे, अप्लाई. देखिए इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाँ हमने लेंथ के ठीक है हाइट के लॉन्ग हमने कितने बेस लिए थे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सिमिलरली हमारा लेंथ के लॉन्ग कितने बेस थे, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सॉरी विड्थ है विड्थ. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं स्टेट प्रो में. ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है, मर्ज करना है स्टेट प्रो मॉडल पे. या तो आप इधर से क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हैं मर्ज मॉडल विद स्टेट प्रो मॉडल से, अदरवाइज आप डायरेक्ट इधर से क्लोज कर सकते हैं और यस कर सकते हैं. ठीक है, और ओके. तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपका स्ट्रक्चर आपका स्टेट प्रो मॉडल पे आ जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्टेट प्रो में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी होल स्ट्रक्चर ओपन करेंगे प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे क्लिक करके. तो ये हमारे पास साइड में एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, प्रॉपर्टीज होल स्ट्रक्चर. ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज देने. प्रॉपर्टीज यानी कि हमें थिकनेस बतानी है बीम की और कॉलम की. तो हम क्या करेंगे, डिफाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगुलर ऑप्शन पे जाएंगे. हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ही हमारा कॉलम होगा, रेक्टेंगुलर ही हमारी बीम होगी. तो सबसे पहले हम एक साइज ले लेते हैं बीम का. ठीक है, बीम का साइज ले लेते हैं 0.3 एंड डेप्थ ले लेते हैं हम बीम की 0.35. ठीक है जी, हम कर देते हैं इसको ऐड. ठीक है, और हम सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी असाइन करेंगे कॉलम के लिए, जो ले लेते हैं हम 0.4 एंड 0.4 की. ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज ले ली है, अब हमें इसे अप्लाई करना है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बीम के लिए. तो ठीक है, अब बीम की प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम जाएंगे सिलेक्ट ऑप्शन पे. ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन पे गए और हमें सिलेक्ट करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जितने हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग बीम है, और पैरेलल टू जेड एक्सिस. ठीक है, तो ये सारे बीम्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं. तो इधर आ रहा है नीचे लिखा होगा असाइन टू सिलेक्टेड बीम. तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, जो भी हमने बीम सिलेक्ट किए और रेड कलर में शो हो रहे हैं आपके डिस्प्ले पे. तो हमें क्या करना है, इसको असाइन कर देना है. ठीक है, हम इसे असाइन कर देते हैं.
तो ये देखिए हमारे पास वो प्रॉपर्टी असाइन होगी। सिमिलरली हमें कॉलम के लिए करने, तो कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और जाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। जितने हमारे कॉलम है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी हम असाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमने इस प्रॉपर्टी को असाइन कर लिया है, ठीक है। अब ये हो गया, मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल हमें चाहिए, मटेरियल टैब पे गए, मटेरियल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, हम कंक्रीट मटेरियल ले लेंगे और असाइन कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये मटेरियल भी असाइन हो चुका है। अब हमें स्ट्रक्चर में सपोर्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। सपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले सपोर्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे डायलॉग बॉक्स में जाके, तो हम ले रहे फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिक्स सपोर्ट ऐड होगी और हमें ये सपोर्ट टू के नेम से इस पे आइए, तो सपोर्ट टू पे क्लिक करें और हमें सपोर्ट्स लगानी है इधर। तो कैसे लगाएंगे, व्यू ऑप्शन पे गए, फ्रंट फ्रंट व्यू में गए, और जितने भी हमारे फुटिंग में सपोर्ट्स लगी उसको सेलेक्ट करना है, और आइसोमेट्रिक व्यू में जाके चेक करना है कि सारे सेलेक्ट हो गए हैं कि नहीं। तो सारे फुटिंग्स हमारे सेलेक्ट हो गए, तो हम इधर फिक्स सपोर्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए असाइन कर दिया हमने, तो हमारी सपोर्ट्स भी लग चुकी है। और अब हम इसे एस्केप बटन से, इस कमांड से बाहर आते हैं और रेंडरिंग व्यू में देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का रेंडरिंग व्यू हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये देखिए रेंडरिंग व्यू आ गया है। आप स्ट्रक्चर को थोड़ा ड्रैग भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इसमें, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल हम इधर ही ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू हम कैसे एक सर्कुलर और पेंटागनल शेप का एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम इधर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।